हम जिस बस्ती में पड़े हैं, हम जिस कार्य मुसल्लत की सूरत हाल में हैं, हमारा जो मामला हो चुका हुआ है, हमारे अंदर जो नफ़रतें हैं संचित से, जो अरब इंपीरियलिज्म ने दाग कंधे जो हमारे ऊपर लगाए थे, जिसके अंदर कभी हम मसालक में बटे हुए हैं, कभी हम फिरकों में बटे हुए हैं, कभी हम तसबात में बटे, हमारे यहाँ ये वैल्यूज़ जो हैं ये ख़त्म कैसे हो गई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री है। रसूल पाक साहब भी से भी पूछेंगे कि ये क्वेश्चन मतलब चेंज आई किधर से? कि मौलिया साहब ये कोई 300 साल का सवाल है, एक दिन की बात नहीं। अच्छा, आओ तुम्हें सुनाए तारीख उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। ये कौमों के उरूज भी कई सौ सालों में होते हैं और जवाल भी, ये एक नस्लों की बात नहीं। लेकिन हम जिस दौर में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, ये तारीखी तौर पर एक बड़ा हैरत अंगेज़ लम्हा है, इसलिए कि 20वीं सदी वॉज द सेंचुरी ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉम्युनिज्म, दो एक लादिनी नज़रियात जिनकी बुनियाद मईशत के ऊपर थी, चाहे कैपिटलिज्म पे हो या कॉम्युनिज्म पे हो, डेमोक्रेसी पे हो, डिक्टेटरशिप पे हो, और अब वो दोनों तकरीबन तबाह होने के करीब पहुंच चुके हैं। इंसान एक तो चक के थूक चुका, एक तो खत्म हो चुका, दूसरा भी जा रहा है। और इस वैक्यूम में जिस वक्त हम बसते हैं, क्योंकि कायनात का ये रूल नहीं है कि वैक्यूम छोड़े, खला नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी ने इसको पुर करना है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए इस दस्तूर को लेना कि ये मुसलमान माशरे जहाँ रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वैल्यू सिस्टम को, जो सवाल आपने उठाया था, इकबाल ने भी कहा था 300 साल से हिंद के मैखाने हैं बंद, अब वक्त है कि तेरा फैज़ आम होता है। तो अब इस फैज़ के आम होने का वक्त आ पहुंचा है, और नौजवान नस्ल के लिए ये एक मैटर ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर हम इस वक्त मगरबी तहजीब के मुकाबले पर या उस इस एक लादिनी सेकुलर तहजीब के मुकाबले पर अपनी वैल्यूज़ को लेकर ना उठें। और ये दस्तूर के बारे में अक्सर लोगों ने यह भी एतराज़ किया है कि यह सेकुलर दस्तूर था जिसमें यहूदियों की, ईसाइयों को, मुशरिकों को साथ मिला दिया गया, तो आज की डेफिनेशन में इसको सेकुलर कह दिया गया। इसकी सेकुलरिज्म की तो शिक एतराज वही खत्म कर दिया जाता जैसे बात की गई सॉवरेंटी गोस्ट गॉड, सॉवरेंटी गोस्ट गॉड, और मर्जा आखिरी जो है नबी अल्लाह उसके रसूल फैसला करने वाले हैं, तो सेकुलरिज्म की तो बुनियाद ही खत्म कर दी गई। लेकिन आज के दौर में जो म्यूचुअल ऑनरेबल को एग्जिस्टेंस के तमाम रूल्स हैं, चाहे वो विद इन द डिफरेंट कम्युनिटीज हो या विद इन द मुस्लिम सोसाइटी हो, उसकी फंडामेंटल बेसिस यही है, और हमें इसको एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट अब अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाना, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब मिल चुका है। हम सारे दसातीर पढ़ाते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाते? छह के छह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, ये पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना मुसलमान तहजीब की या मुसलमान ताकत की जो डिके है, ये हमका इसका रोना बहुत रो चुके हैं। नहीं, अब रिवाइवल तो होना चाहिए। रिवाइवल हुआ है। अब देखिए कि 1930s में आज से तकरीबन 80 साल पहले मुसलमानों की कितना रियासतें थी? अब मुसलमानों की 30s में तो बांट दी थी सारे की सारे, ठीक है ना, 57 बांट, उससे पहले तो एक दो। आज कितना माशाल्लाह मुसलमान रियासतें हैं? 58 के करीब रियासतें हैं, माशरे हैं, कुछ आगे बढ़ रही हैं, कुछ वहीं पे खड़ी हैं, कुछ पीछे जा रही हैं सारी। नहीं, ये तो 47 में 50s में जाके, जी जी, इस वक्त जो अगर आप रिवाइवल चाहते हैं, आप जाएंगे सर सैयद अहमद खान के पास, आप जाएंगे इकबाल के पास, आप जाएंगे जिनाह के पास, कि मुसलमान माशरे को, कि एक शिबली नुमानी को आप देखें, जो एक वो लोग जिन्होंने के पाकिस्तान की तामीर की नज़रियाती तौर पर भी, उसके खदोखाल दिए और पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद रखी, कि अगर हम यसैद अमीर अली, मैं बेशुमार जिनकी मिसालें मैं आप दे सकता हूँ, उसकी बुनियाद ये है कि आपने एक मुसलमान मुआशरा रहते हुए जो एक जदीद दुनिया है उसके साथ मिल के आपने कैसे चलना है, उसके लिए आपने यूनिवर्सिटियां बनानी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, बिजनेस, उसमें अगर आप कुछ ना करें और सिर्फ आप आबादी ही पैदा करते रहे जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो आप दुनिया के पास, आपके पास फ्लड आएंगे, आप फ्लड का पानी रोकने के इस काबिल नहीं हो सके कि एक बहुत इतना बड़ी दौलत आप समंदर में फेंक रहे हैं, घरों को तबाह कर रही है। वो तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे अपने डिफरेंसेस की वजह से हुआ है। वो डिफरेंसेस इसलिए कि अगर जदीद सोच नहीं है, अकल नहीं है, और सोच अगर तामीरी नहीं है, तो आप अपने वसायल को आप तबाह करते हैं या आप उन लोगों को इजाजत देते हैं। ये आपके मुआशरे के अंदर इतना बेहिसी भी है हमारे यहाँ, जिसको कि हमने ओवरकम करना है, और एक ताकत अगर अंदर पैदा करनी है इस्लामी अकदार के साथ, और फिर जो सोच हो वो वही सोच हो कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके बगैर आपके पास ताकत नहीं आ सकती। वो तो ठीक है, ताकत जो है ये नजरिया जो एक ताकत का है उसमें कुछ यूनिवर्सल उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसी के ऊपर अगर
चाइना चलता है तो चाइना ताकतवर हो जाता है, हिंदुस्तान चलता है कि वहाँ पे चाइना कि देखिए मुसलमान मुआशरों के अंदर भी आप देखें कि मलेशिया कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इजिप्ट कहाँ खड़ा हुआ है, जॉर्डन कहाँ पे है, ईरान कहाँ पे है, कि हमने अंदर से आप लेकिन सर ईरान के अंदर तो सबसे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ईरान के अंदर उन्होंने टोटल मतलब दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की ज़ुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की, कोई आज हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं ये दुरुस्त नहीं है। ईरान ने तो अपना पूरे का पूरा इल्म जो है ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारे पास तो एक एडवांटेज था एक लैंग्वेज का, लैंग्वेज न्यूट्रल होती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की हमारे पास बुनियाद मौजूद थी, उर्दू हमने डिवेलप की हमारी जिसकी कि हमारी बुनियादी जो एक शिनाख्त की मुसलमान कौमियत की और मुसलमान शिनाख्त की एक इलामत बन गई, और ये तो हमारी जबान बन गई एक कौमी जबान बन गई। उसमें अगर आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप इल्म आप अंग्रेजी जबान में हासिल कर सकते हैं या फ्रांसीसी जबान में हासिल कर सकते हैं, वही इल्म अरबी में भी कर सकते हैं फारसी में भी कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि आपके पास जो एंडाउमेंट है वो क्या है, नॉलेज की नॉलेज ट्रांसलेशन से क्रेज जो था यूरोप में जब अरबों में आया या अंग्रेजों में आया दो दफा हिस्ट्री ने टर्न किया। देखिए हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान है ठीक, हिंदी में उनके उनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे हैं वो नहीं चल रहे। चाइना के अंदर वो इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं था, कभी था ही नहीं सर, जापान के अंदर भी नहीं था, छोटे मुल्क ऑस्ट्रेलिया पोर्चुगल नीदरलैंड नॉर्वे डेनमार्क ये मुल्क मैं ईरान में देख के आया हूँ, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी उनका नोबेल लॉरेट बंदा जाएगा। आज वो सबके साथ यहाँ पे थोड़ा सा दरख्वास्त पेश करना चाहूँगा, सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, मोरालिटी और आइडियोलॉजी से बनती है, स्पिरिचुअलिटी से बनती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की अपनी कोई मोरालिटी नहीं होती, देयर अमोरल। आज मगरिब का माशरा अगर मोरालिटी नहीं है तो इसका मतलब मोरल नहीं है। हमने मगरिब का माशरा देख लिया है, मगरिब की अमेरिकन सिविलाइजेशन ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करने के करीब पहुंच चुकी है। मगरिब उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आखिरी हदूद पार कर ली, इंसान की अकल वहां पर इंसान लिटरली अब मैजिक और जादू की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हदें पार हो चुकी हैं जो वहां मगरिब माशरे ने कर माशरा क्या तब्दील की, माशरा क्या बनाया उन्होंने। ये बात जो इस मिसाक में आपको नजर आती है बात कि इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हम रूहानी असास गुम कर बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो की भी नहीं जाती, हम अपनी रूहानी असास गुम कर बैठे। एक दफा ये रूहानी असास पैदा कर लीजिए, जिस तरह मुसलमानों ने हुजूर के खिलाफत राशदा में भी सोशल साइंसेज डेवलप की गई, माशरे की तश्कील की गई, इदारे बनाए गए, निज़ाम बनाया गया, सोशल पॉलिटिकल जुडिशियल इकोनॉमिक सिस्टम्स को एस्टैब्लिश किया गया, वेलफेयर स्टेट बनाई गई, जिसकी बुनियाद पर फिर खिलाफत राशदा के बाद मुसलमानों ने बगदाद में बैतुल हिकमत बनाया और अंदलुसिया में जाकर वो सिविलाइजेशन बनाई जिसने दुनिया को हजार साल पहले ग्लाइडर्स और अलजेब्रा और मैथमेटिक्स और इकोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी दी। देखिए वहां पे आ गए ना, बट दैट वाज बिल्ट ऑन अ सिविलाइजेशन जिसकी बुनियाद रूहानी थी। देखिए आप रूहानियत को जदीद माशरे से खत्म नहीं कर सकते ना खत्म करना चाहिए, कि ये जो रूहानियत है सिर्फ मुसलमानों की विरासत नहीं है, हर माशरे की एक विरासत है, रूहानियत के बगैर तो कोई चीज होती नहीं है। कि मुसलमान ये अगर हम इस बात को सोसाइटी तो उसी से बनती है ना, प्रिंसिपल उसी से बनती है, असूलों से बनती है। अकदार की जो आप बात कर रहे हैं वो इस्लामी अकदार माशरे के अंदर मजबूत होने चाहिए। हमारा अलमिया अकदार की कमी है। देखिए हमारे इस वक्त बड़े से बड़े इस वक्त पाकिस्तान के आला तरीन पढ़े लिखे यूरोप से आए हुए लोग मुल्क के सबसे बड़े बदतरीन करप्ट लोग हैं जिन्होंने मुल्क को नहीं बल्कि छोड़ गए, बल्कि हमारे पास उन्हें जो अलमिया अगर आप अगर ये कह रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में ये वाकईतन दुरुस्त नहीं है कि जो आपके जो डिग्रियों से जो पता चला है वो तो यहाँ के भी पढ़े हुए नहीं है, कोई 140 या 150 के करीब उनके पास तो बीए की डिग्री तो नहीं है। ये एथिक्स का सवाल है ना, ये सवाल है अखलाकी। और फिर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है 100 में से 82 कितना पढ़ के आया है? नहीं कोई नहीं, बहुत कम। कितना पढ़ के देखिए डॉक्टर साहब, इस मुल्क को तब पढ़े लिखे लोगों ने तबाह किया, जाहिलों ने नहीं तबाह किया। वजह ये है कि उनके ऊपर कानून नहीं, अगर कानून की हुक्मरानी होती बात फिर आप देखते। देखिए बात वही मोरालिटी और लॉ पे, अगर मोरालिटी और देखिए कानून के बगैर आप मॉरल पर्सन पैदा नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, कानून के बगैर रिस्पेक्टफुली कानून का सोर्स तो मॉरल लॉ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द नॉर्म एंड मोरल सोसाइटी। देखें अगर ये एक यूनिवर्सल बात हो जाए कि खुदा का खौफ दिलों में पैदा हो जाए, हम दुआ करते हैं पैदा होता ही नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर खुदा का खौफ पैदा हो जाए ये दुआ से भी पैदा नहीं होता, ये अंदर से एक कोई आवाज़ उठती है तो बंदा उसके मुताबिक चल पड़ता है।